सर, वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिडक्शंस। टीडीएस के क्वेश्चन बाकी है, डिडक्शन के भी क्वेश्चन सब एक साथ लेंगे। वी आर कमिंग टू डिडक्शंस। टोटल इनकम तब तक कंप्यूट नहीं हो सकती जब तक के डिडक्शंस ना आ जाए, ठीक है? पहले डिडक्शंस को बहुत अच्छे से समझ लें, फिर हम डिडक्शंस के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम डिडक्शंस वैसे नहीं पढ़ते जैसे आपने पढ़े होंगे। हम डिडक्शन अलग तरीके से पढ़ते हैं। हम डिडक्शंस को हमेशा पीजीबीपी के साथ क्लब करके पढ़ते हैं। सुनिए सर, डिडक्शंस जो है ये चैप्टर 6A में कवर होते हैं। तो भैया यहां से डिडक्शन चालू हो रहा है। अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा, प्लीज टाइम स्टैम्प लगा देना, किसी बच्चे के काम आ जाएगा। राइट बेटे, सुनो, डिडक्शंस जो कवर है ना, ये दो तरीके से कवर थे। एक था हेडवाइस और दूसरा था चैप्टर 6A के डिडक्शन, जो मिलते हैं आपको ग्रॉस टोटल इनकम से। जो मिलते हैं आपको किससे? ग्रॉस टोटल इनकम से। याद रखे, ग्रॉस टोटल इनकम बनाने के लिए एक टॉपिक जो सेट ऑफ है वो हमारा बचा है, याद है ना? वो हमारा बचा है, छोटा सा चैप्टर है, पहले बड़े निपटाते हैं। आओ बेटा, चैप्टर 6 है। हेडवाइज डिडक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ के आ गए, जैसे सैलरी में 50,000 है, एंटरटेनमेंट अलाउंस, एचपी के अंदर में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन, पीजीबीपी के अंदर में 32, 37(1), यस, कैपिटल गेन में तो एग्जम्पशन है, 57 में डिडक्शन इन IFOS, हेडवाइज। अब हम बात करने जा रहे हैं ग्रॉस टोटल इनकम के डिडक्शन की। चैप्टर 6A में चार पार्ट थे, ध्यान से सुनिए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, क्योंकि कई जगह पे आपको ये आएगा। पार्ट सी में कवर है 80IA से लेके IE तक के सारे सेक्शन, जिन पे ऑलरेडी क्या लग चुका है, सनसेट क्लॉज लग चुका है। 80IA टू IE, IA, IB, IC, ID, IE, इन पे सनसेट क्लॉज लग चुका है, बिंदास ऑप्शन में छोड़ के जा सकते हो। बराबर है, बिंदास ऑप्शन में छोड़ के जा सकते हो, सनसेट क्लॉज लगा हुआ है। राइट, हालांकि हालांकि ध्यान से सुनिए, ये आपके मॉड्यूल में शायद आपको देखने को मिल सकता है, मॉड्यूल की जिम्मेदारी है देना। इन पे क्वेश्चन पूछना पिछले 6 अटेम्प्ट से बंद कर चुके हैं, क्योंकि इन पे ऑलरेडी सनसेट क्लॉज लग चुका है। लास्ट ईयर वॉज 2017, जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होता था, उसके बाद से ये है ही नहीं। अब आपको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट डी तक के सारे डिडक्शंस कवर्ड है, मतलब पार्ट ए में यूज होने वाले, बी में यूज होने वाले, डी में यूज होने वाले, ये डिडक्शंस आपको कवर्ड है। पॉइंट टू बी नोटेड, पार्ट सी वाले सिर्फ आपको छोड़ने हैं, बचे हुए सारे डिडक्शन आपको पढ़ने हैं। तो 80IA, IB, ICD, ID, IE वाले छोड़ने हैं, बचे हुए आपको सारे डिडक्शंस पढ़ने हैं। क्लियर है मालिक? डिडक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें, डिडक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें। पॉइंट नंबर पहला, डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड, बोलो बेटा, ग्रॉस टोटल इनकम। आपने अगर कंडीशन सेटिस्फाई भी कर दी तो डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर नहीं जा सकता। यस और नो? दूसरा, डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम एनीवन। पढ़ लिया हमने पहला सही जवाब, कैपिटल गेन्स, कैजुअल इनकम। वेरी गुड, स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम, जो हमने कवर करी थी अंडर सेक्शन 35AD, याद आ रहा है क्या? इनमें से चैप्टर 6 के डिडक्शन नहीं मिलते। एक और, खैर आपने चौथा पढ़ा नहीं, मैं बता देता हूं, एनआर, एनआर ऑप्टिंग फॉर स्पेशल टैक्स रेट, ऐसा एनआर जो स्पेशल रेट को ऑप्ट कर रहा है उसको डिडक्शन नहीं मिलता। इस कंसेप्ट को हम एनआर में पढ़ेंगे, बचे हुए 3 हम ऑलरेडी पढ़ के आ गए। सर आई हैव अ क्वेश्चन, सपोज मेरा पीजीबीपी इनकम है ग्रॉस टोटल इनकम में और लॉटरी इनकम है, तो मेरे को डिडक्शन ही नहीं मिलेगा, या पीजीबीपी पोर्शन में डिडक्शन मिलेगा लॉटरी पोर्शन में नहीं मिलेगा? पीजीबीपी में मिलेगा, लॉटरी में नहीं मिलेगा। सो अकॉर्डिंगली मेरा डिडक्शन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा ओनली पीजीबीपी इनकम तक के। गेटिंग इट नॉट? अच्छा, डिडक्शन लेने के लिए नो प्रूफ रिक्वायर्ड,
इसीलिए तो आप ऑफिस में सीधा 1.5 लाख देते हैं, खुद ने चेक नहीं किया हुआ होता है LIC कितना पे किया, प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है। बट चलिए असेसमेंट में चलते हैं, डू AO हैज पावर टू कॉल, डू AO हैज पावर टू कॉल, यस AO के पास जरूर पावर है कि वो आपसे इंफॉर्मेशन मंगाई जा सकती है। सर सपोज कर लीजिए मैंने कुछ पेमेंट किया था इन द ईयर 21-22 बट आई फेल टू क्लेम, कैन आई क्लेम इन 22-23? कोई डिडक्शन था 21-22 में मेरे को मिलना चाहिए था, नहीं मिला, अब बोलो ले सकता हूं हाँ या ना? सवाल ही नहीं उठता, पॉसिबल नहीं है, देर इज नो कैरी फॉरवर्ड ऑफ डिडक्शन, कैरी फॉरवर्ड ऑफ डिडक्शन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। सपोज कीजिए AO ने आपका रिड्यूस कर दिया डिडक्शन, AO ने आपका डिडक्शन क्या कर दिया, रिड्यूस, क्या अकॉर्डिंगली मैट एंड AMT क्रेडिट भी रिड्यूस होगा? AO ने असेसमेंट करते वक्त आपका डिडक्शन फॉर सम रीजंस रिड्यूस कर दिया विच वॉज वैलिड, तो क्या आपका अकॉर्डिंगली मैट AMT क्रेडिट भी रिड्यूस होगा? यस। सो अगर AO असेसमेंट के दौरान आपका डिडक्शन रिड्यूस करता है, अकॉर्डिंगली आपका मैट AMT क्रेडिट भी क्या किया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है, आ जाओ। बहुत बढ़िया जी, अब डिडक्शंस आपको किस चैप्टर के साथ सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, राइट? इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट पहले लिख दो, इंपॉर्टेंट कैटेगरी, इंपॉर्टेंट कैटेगरी पहले लिख दो। सर जो सबसे ज्यादा आपको पूछा जाता है 80C, 80D, 80EEB, 80GGB, 80JJAA, 80LA, सर क्या है ये सब, 80CCD, 80G, 80E, 80M, डिविडेंड्स याद करके देखो, डिविडेंड्स, डिविडेंड रिसीव्ड एंड डिविडेंड पेड, विच एवर इज लोअर इज अलाउड एज डिडक्शन इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, याद आ रहा है क्या? हाँ, 80GG, IAC, ठीक है, हाल फिलहाल में मेरे को भी इतने याद आ रहे हैं, एक आधी शायद इसमें ऐड हो सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर में आते हैं। स्टार्ट करते हैं इस पूरी सीरीज को, सबसे पहले भाई भाई सेक्शन कंप्लीट करते हैं। कौन से सेक्शन कंप्लीट करते हैं? भाई भाई, सबसे पहले 80TTA, 80TTB, ऐसी चीज जो सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, 80TTA, TTB, किसकी बात चल रही है? बात चल रही है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, यहां पे बात चल रही है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। व्हेन दे से डिपॉजिट, इट मींस सेविंग अकाउंट, इट ऑल्सो मीन्स FD। ये किसके लिए है? नॉन सीनियर सिटीजन। ये किसके लिए है? सीनियर सिटीजन। बताइए डिडक्शन कितना रहेगा? डिडक्शन इज इक्वल टू लोअर ऑफ ए
एक्चुअल इंटरेस्ट और बी रुपीज 10,000। यहां डिडक्शन कितना रहेगा? अगेन लोअर ऑफ ए एक्चुअल इंटरेस्ट और बी ₹50,000। क्या ये 50,000 को हम कोरिलेट कर सकते हैं सेक्शन 194A के साथ? फिर बैंक भी टीडीएस 50,000 से ऊपर ही काटेगी। बराबर। यहां पे बैंक टीडीएस कब काटेगी? अंडर सेक्शन 194A, जब आपका इंटरेस्ट एक्सीड होगा कितने से बेटा, 40K। कोरिलेट करते जाओ। सो यहां पे इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट की बात चल रही है, यहां पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स की बात चल रही है। इज दिस डन? अब आपको एडजस्टमेंट्स दी कैसी जाएंगी? अब आपको एडजस्टमेंट्स कैसी दी जाएंगी? आपको क्या किया जाएगा? पीजीबीपी के साथ मिक्स कर रहा हूं, प्लीज होल्ड ऑन। पीजीबीपी के क्रेडिट साइड में, पीएनएल के क्रेडिट साइड में आपको ये दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन वट एवर, या तो सेविंग बैंक अकाउंट दे देंगे या तो डिपॉजिट दे देंगे। ठीक है, अब बताइए क्या क्या एडजस्टमेंट्स होनी चाहिए पीजीबीपी से? पीजीबीपी से लेस। सर क्यों लेस? बिकॉज दिस इज टैक्सेबल इन आईएफओएस। एक और वर्किंग नोट बनेगी आईएफओएस, उसमें इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, दैट विल बी ग्रॉस इंटरेस्ट, नेट ऑफ टीडीएस नहीं, ग्रॉस। एक और वर्किंग नोट बनेगी डिडक्शन, और उसके अंदर में एटीटीटीए या टीटीबी, यानी क्या क्या एडजस्टमेंट होने वाली है। लेस फ्रॉम पीजीबीपी, बराबर है। एक वर्किंग नोट बनेगी किसकी? आईएफओएस की। एक और वर्किंग नोट बनेगी किसकी? डिडक्शंस की। ये इन ऑल एडजस्टमेंट्स होनी चाहिए। कैपिटल गेन में दिया है, देर इज नो डिडक्शन, द क्वेश्चन ओवर। सैलरी में दिया है, तो सैलरी में कोई लेस नहीं करना है सैलरी से, वैसे आईएफओएस में डेफिनेटली टैक्सेबल होगा, डिडक्शन बनेगा। आई हैव सर्टन कपल ऑफ क्वेश्चन। इफ विजय हैव थ्री बैंक अकाउंट, ये 10,000 ईच बैंक अकाउंट से डिडक्शन है ना, कि ये इन एग्रीगेट है? इन एग्रीगेट कितने भी बैंक को। समझ में आ रही बात? सॉर्टेड है बेटा? चलो आओ साथ साथ में नोट्स देखते जाना। इंडिविजुअल एचयूएफ अदर देन सीनियर सिटीजन, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, एक्चुअल इंटरेस्ट और 10,000 विच एवर इज लोअर। इसी का भाई मिला एटीटीटीबी सीनियर सिटीजन के लिए, एक्चुअल और 50,000 विच एवर इज लोअर। सेक्शन 194 अकॉर्डिंगली अमेंड किया गया, टीडीएस के लिए 50,000 किया गया। मेक सेंस? ठीक है, आइए दो और सेक्शन पढ़ते हैं, भाई भाई सेक्शन। ATGGB, ATGGC, ATGGA। चलो तीनों पढ़ते हैं, साथ में पढ़े जा सकते हैं तीनों। ATGGB किसके लिए है? इंडियन कंपनी। ATGGC अदर देन इंडियन कंपनी। ATGGA एनी एसएससी नॉट हैविंग पीजीबीपी। करस्पॉन्डिंग सेक्शन बताओ पीजीबीपी का। मैंने लात मारनी है। करस्पॉन्डिंग सेक्शन पीजीबीपी का 35CCA, चप्पा चप्पा एडवांसमेंट। यही अगर एसएससी का पीजीबीपी इनकम नहीं रहा, ATGGA। याद आया कुछ? लायक आदमी कुछ भी जवाब दे रहा, शादी कराऊं तेरी। अगर कोई इंडियन कंपनी क्या करती है बेटा, डोनेट करती है किसको?
पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को 100% का क्या लेके जाएगी? डिडक्शंस। अमाउंट एक्सीडिंग 2000 शुड नॉट बी पेड इन कैश। अरे एवरीबॉडी चलो कोरिलेट करो, पॉलिटिकल पार्टी सेक्शन 13A में इनकम एग्जम्प्ट होती है। जो डोनेशन रिसीव कर रहा है, ये डोनेशन क्या है बेटा? एग्जम्प्ट। पर 20,000 से ऊपर दे रहा है तो नाम एंड एड्रेस लिखा होना चाहिए, 2,000 के ऊपर कैश दे रहा है तो कंप्लीटली टैक्सेबल हो जाएगा। अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है, ऑडिट करना जरूरी है, पीजीबी पीएन सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। क्या तुम्हें याद है? ये बंदा क्या ले लेगा? 80 GGB और GGC, डिपेंड अपॉन ये कौन है, कंपनी है या अदर है। सो अगर इंडियन कंपनी डोनेट करती है पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को, जितना भी किया 100% अलाउड है डिडक्शन, बस 2,000 से ऊपर कैश में देने का नहीं। 2,000 से ऊपर कैश में दिया आपको डिडक्शन मिलता नहीं। अदर देन इंडियन कंपनी क्या करते बेटा? डोनेट करते। किसको डोनेट करते? पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को। कितना मिलेगा? 100% डिडक्शन। यहां पे भी शेम टू शेम। इज दिस डन? जीजीए के अंदर में क्या कवर था? तीन चीजें, साइंटिफिक रिसर्च, रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इरेडिकेशन। 100% डिडक्शन। साइंटिफिक रिसर्च, रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इरेडिकेशन 100% डिडक्शन। बहु डन। अच्छा जी सर, एडजस्टमेंट्स कैसे दी जाएंगी आपको? पीजीबीपी में पीएनएल को डेबिट किया जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्टोरल ट्रस्ट, बराबर है। आपको क्या करना है? एड बैक करना है पीजीबीपी में। ऐसा क्यों? सेक्शन 37 बोलता है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नॉट अलाउड एज डिडक्शन। इसके बाद में लेस करना है, कहां से लेस करना है डिडक्शन? अंडर सेक्शन 80, इधर जीजीबी और 80 GGC, यही इसका एडजस्टमेंट है जो किया जाता है। आइए, 80 GGB इंडियन कंपनी पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को दे रही है, 100% अलाउड। अमाउंट शुड नॉट बी पेड इन कैश। यहां पे 2,000 से ऊपर भी नहीं, यहां पे तो पेड ही नहीं करना है कैश में। पॉलिटिकल पार्टी 2,000 से ऊपर ले रही है तो उसके लिए टैक्सेबल है, यहां पे कैश में पे ही नहीं करना है। अमाउंट शुड नॉट बी पेड इन कैश एनी असेसी अदर देन इंडियन कंपनी। 100% अलाउड एज डिडक्शन। तो अपन ने जो 2000 लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल पार्टी लिखा हुआ है, इलेक्टोरल ट्रस्ट, यहां पे तो कैश में पे करना ही नहीं है। पूछो ना ऐसा क्यों, पूछ तो लो ऐसा क्यों। लोग अपना ब्लैक मनी पॉलिटिकल पार्टीज को दे देते थे, रिश्ते भी बने रहते थे, काम भी हो जाता था। समझ आ रही है बात? उन्होंने बोला कैश में 1 रुपया भी पे नहीं करने का। आ जाओ 80 GGA पेज नंबर 4,
असेसी नॉट हैविंग इनकम अंडर दैट ऑफ पीजीबीपी, साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया, रूरल डेवलपमेंट के लिए किया, या फिर आप लोगों ने पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए किया। 100% अलाउड एज डिडक्शन, हाउ एवर सम एक्सीडिंग 2000 देन इट शुड बी पेड वाया अकाउंट पे चेक ओनली। यस, अच्छा आपको अगर याद होगा, आपको अगर याद होगा, ध्यान से सुनना, इधर देखो, यहां लिख दो पहले, विथ रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल पार्टी, यहां लिख दो नो कैश, यहां पे भी लिख दो नो कैश, यहां पे अमाउंट एक्सीडिंग 2000 नॉट इन कैश। देन चलो आते हैं और तीन गजब के सेक्शन पे, 80U, 80DD, 80DDB, तीनों सेक्शन कनेक्टेड सेक्शन है। 80U इंडिविजुअल हु इज हैंडीकैप, याद रखने का तरीका, यूनिकली एबल्ड, यूनिकली एबल्ड। अगर कोई इंडिविजुअल हैंडीकैप है, राइट, ये क्या है भैया, सर्टिफाइड है, हालांकि सर्टिफिकेट को चेक नहीं करता अनलेस एंड अंटिल एओ को रिक्वायर्ड है, तो डिडक्शन कितना मिलेगा, एनीवन 75,000 इन जनरल, 1,25,000 अगर ये सीवियर डिसेबिलिटी है, तो सीवियर डिसेबिलिटी 80% और मोर। आपको सर्टिफिकेट देखना है, आपको खुद जाके चेक नहीं करना डिसेबल कितना परसेंट है। आपको ये चेक नहीं करना है डिसेबल कितना परसेंट है, आपको सिर्फ ये देखना है सर्टिफिकेट है क्या, और सर्टिफिकेट के बेसिस पे डिडक्शन देना। सर प्रॉब्लम ने कुछ नहीं बोला क्या करने का, 75, इतना बुरा नहीं सोचने का किसी के बारे में। 75 दे के काम खत्म करना। यस, अच्छा जी, 80DD याद रखने का तरीका, डिसेबल डिपेंडेंट। मेरी हैंडराइटिंग सुधर गई है ना, डिसेबल डिपेंडेंट। अब यहां पे आप नहीं, आपके कोई डिपेंडेंट डिसेबल है। अच्छा जी, ये बेनिफिट किसके लिए है, इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए है। आपने क्या करना है, आपने या तो उनके लिए कोई एक्सपेंसेस करने हैं ऑन ट्रीटमेंट, और डिपॉजिट इन अप्रूव्ड स्कीम, या तो आपने एक्सपेंसेस करने हैं उनके ट्रीटमेंट के ऊपर, या तो डिपॉजिट करना है अप्रूव्ड स्कीम के अंदर में। सर इंडिविजुअल के लिए डिपेंडेंट मतलब कौन कौन, सुनो ना, बड़ा सिंपल है, हाथ देखो, माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, फैमिली ट्री इमेजिन करो, माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे। सर बच्चे कितने, ये आपकी मर्जी, इनकम टैक्स ने कुछ नहीं कहा। सो कौन कवर हो रहे भैया, पेरेंट्स, पा माँ दोनों कवर, पाउस एंड चिल्ड्रंस, ऑल ऑफ देम मस्ट बी डिपेंडेंट। सर पेरेंट मतलब किसके, अपने या वाइफ के, अपने अपने होते हैं, वाइफ के पापा को पापा मजबूरी में बोलना पड़ता, तो
हाँ मतलब वो तो किसके ये क्या यार ऐसे बोर्ड दिखाते हो, ये बोलो कुछ भी करते हो तुम लोग, ऐसे बोर्ड दिखा रहे थे ये लोग, ऐसे बोर्ड नहीं दिखाना चाहिए सर यार, ये बोल दो ऐसे थोड़ी ना अच्छा लगता है। हाँ क्या बोले इसके ऊपर में, अरे मीम्स मेरे ऊपर ऑलरेडी इतने बने हुए हैं, मेरे ऊपर ऑलरेडी मेरा इंस्टा खोल करके देखो 600 से ज्यादा तो मीम्स बना के रखे मेरे ऊपर, क्या जीवन में। ठीक है चलो सुनो, ठीक है पल्लवी भी तो जानती है हाउ मच आई रिस्पेक्ट योर डैड, ठीक है। अरे पागल ऐसे बच्चों को हंसाने के लिए बोलना पड़ता है हमारे को, ऐसे स्माइल आती नहीं तो ये आत्मा लेके आ जाते, अपने आत्मा घर पे छोड़ के आते हैं लोग, इसलिए इनको हंसाने के लिए कुछ बोलना ना। इंडिविजुअल एंड एचएफ, अगर ये एक्सपेंसेस कर रहे हैं ऑन ट्रीटमेंट या फिर डिपॉजिट कर रहे हैं स्कीम में, डिपेंडेंट मतलब कौन, अपने पेरेंट्स यस प्लस पाउस प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रन HUF। एक मिनट ओ भाई साहब एक मिनट, इसमें और भी कवर हो रहे हैं, अपने भीख मंगे ब्रो अपनी शेमड़ी सीस। HUF के केस में एनी मेंबर, सर डिडक्शन कितना मिलेगा अगेन? 75,000, 1,25,000। 75,000 कैसे मिलेगा बेटा? इन जनरल 1,25,000 कैसी डिसेबिलिटी बेटा? सीवियर डिसेबिलिटी। एग्जाम में पूछते ये, क्या इनके नाम से डिपॉजिट किया तो भी बेनिफिट मिलेगा क्या? आंसर इज यस। मतलब एक प्रश्न पढ़ लाई चारू का, सपोज कीजिए, और सपोज कीजिए एग्जाम्पल, विजू डिपॉजिट करता है इन अप्रूव्ड स्कीम, विजू डिपॉजिट कर देता है अप्रूव्ड स्कीम में, ही पेस 20,000, डिडक्शन कितना है? 75,000। द सेक्शन डज नॉट टॉक यू अबाउट लोअर ऑफ एक्चुअल, इट स्ट्रेट अवे गिव्स यू 75,000 इवन दो एक्सपेंडेड मोर और एक्सपेंडेड लेस। तो कौन कौन कवर है? माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे, ये सारे के सारे आप पे डिपेंडेंट होने चाहिए, अगर ये आप पे डिपेंडेंट नहीं है तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा सेक्शन का, ठीक है। ये सारे के सारे आप पे कौन होने चाहिए? डिपेंडेंट। किसमें? ATU फ्लैट है ना, एक्चुअल का कोई लेन देन ही नहीं है, ATU ATDD दोनों फ्लैट है। अच्छा एक मिनट याद रखे, डिडक्शन चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़े, DTAA और NR टैक्सेशन दोनों में यूज होता है क्रॉस एप्लीकेशन में। NR टैक्सेशन में आप नेट इनकम नहीं निकाल सकते अनलेस यू नो डिडक्शन, DTAA में आप नेट टैक्स नहीं निकाल सकते जब तक कि यू डोंट नो डिडक्शन। सो यू आर नॉट लर्निंग डिडक्शन ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ DT, यू ऑल्सो हैव टू लर्न इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ IDT, सॉरी इंटरनेशनल टैक्स। ATDDB, याद रखने का तरीका, डरावनी डरावनी बीमारियां, डरावनी डरावनी बीमारियां, याद रखने का तरीका डरावनी डरावनी बीमारियां। अगर असेसी को कोई स्पेसिफाइड डिसीजेस हो जाए, यस अगेन बेनिफिट इज फॉर इंडिविजुअल एंड HUF। किस चीज के लिए? स्पेसिफाइड डिसीजेस के लिए। सर कौन से स्पेसिफाइड डिसीज? पहला तो आपको पता ही है, दूसरा हार्ट अटैक, तीसरा ट्यूबरकुलोसिस, ऐसी डरावनी डरावनी बीमारियां। पहला पता है ना? सर किसके लिए डिडक्शन मिलेगा? इंडिविजुअल के केस में असेसी, पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, फादर, मदर,
सेक्शन में ब्रो और सिस गायब है, गलत, इनके लिए भी मिलेगा, ब्रो एंड सिस। यहां से डी वर्ड काट दीजिए, सिर्फ चिल्ड्रन रखिए। एचयूएफ के केस में बोलो बेटा, एनी मेंबर अगर स्पेसिफाइड डिसीज, अगर स्पेसिफाइड डिसीज पे खर्चा होता है सर डिडक्शन कितना मिलेगा? अगर स्पेसिफाइड डिसीज पे खर्चा होता है सर डिडक्शन कितना मिलेगा? डिपेंड अपॉन द एज ऑफ डिपेंडेंट, इट डिपेंड अपॉन द एज ऑफ डिपेंडेंट, जिस पे खर्चा कर रहे हो वो कितना है। एक्चुअल और 40,000 विच एवर इज लोअर फॉर अ नॉन सीनियर सिटीजन, जिसके इलाज पे खर्चा कर रहे हो अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है, एक्चुअल और 40,000 विच एवर इज लोअर, एल्स एक्चुअल और 1 लाख विच एवर इज लोअर इफ इट इज अ सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन। तीनों के बीच का बेसिक फर्क पता है? अगर एसएससी खुद हैंडीकैप है 80U, अगर एसएससी का रिलेटिव हैंडीकैप है 80DD, अगर किसी को बीमारी है वो वाली डरावनी डरावनी, पहली आपको पता है, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी ऐसी कोई भी बीमारी है तो डिडक्शन, पहले दो में फ्लैट डिडक्शन है, तीसरे वाले में एक्चुअल एक्सपेंसेस भी बीच में आ जा रहा है, याद रखिएगा। इज दिस डन? पूछेंगे कैसे, पूछेंगे कैसे, इसका आपको इंफॉर्मेशन गिवन रहेगा, मतलब वो पीजीबीपी वीजीपी में नहीं देंगे, आपको सिर्फ इतना बता देंगे, लेट से मिस्टर एक्स फिजिकली हैंडीकैप डिराइव द फॉलोइंग इनकम, और नीचे इतना बड़ा क्वेश्चन दे देते कि आप पहला वाला पॉइंट भूल जाते, इंफॉर्मेशन गिवन में 80U रहेगा, बराबर है। इसको आपको पीजीबीपी में दिया जाएगा पीएनएल के डेबिट साइड में, एडबैक करना है, एडबैक करना है पीजीबीपी में, लेस करना है डिडक्शन में। ये सेम झालं का? आओ तीनों सेक्शन को पढ़ते दनादन, पेज नंबर 2 80U रीड, एसएससी शुड बी इंडिविजुअल हु इज रेसिडेंट, क्या होना चाहिए, सर्टिफाइड अदर देन सीवियर 75,000, सीवियर डिसेबिलिटी 1,25,000, 80DD इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ्स, मेडिकल ट्रीटमेंट पे भी चलेगा, डिपॉजिट पे भी चलेगा, 75,000, 1,25,000, पेरेंट्स स्पाउस ब्रदर सिस्टर एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ, यस 80DDB इंडिविजुअल एचयूएफ रेसिडेंट, एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ रिलेटिव अदर देन सीनियर सिटीजन एक्चुअल और 40,000 विच एवर इज लोअर, सीनियर सिटीजन एक्चुअल 1 लाख विच एवर इज लोअर, इसमें सब कवर है, इसमें कौन कवर हो गए, सब, माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे, अमेंडमेंट इन 80DD
अमेंडमेंट इन 80DD। हाँ प्लीज रीड इट, टेल मी। एटी हाँ, डिपेंडेंट बच्चे नीचे, बच्चे जी। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं ये अमेंडमेंट? एनीवन? सीनियर सिटीजन होने से पहले डिसीज हो गया, पर 80DD में डिसीज की बात किधर है? क्या कह रहा है? दो बड़े अमेंडमेंट है, ध्यान से सुनिए। 80DD का पहला अमेंडमेंट, हम 80DD में डिडक्शन अलाउ करेंगे, 80DD में अलाउ करेंगे हम डिडक्शन, अगर कोई स्कीम प्रोवाइड करती है इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ इंडिविजुअल और मेंबर हुज नेम सब्सक्रिप्शन हैज बीन मेड। मान लीजिए अगर आपको कोई एन्यूटी या लमसम मिलेगा अपॉन डेथ, पहले 80DD में ये कवर नहीं था, डेथ वाले केसेस में जो अमाउंट मिलती है राइट, ये 80DD में कवर नहीं थी, ये पॉलिसीज कवर नहीं थी। अब 80DD में वो पॉलिसी भी कवर होगी, उस पॉलिसी के प्रीमियम का भी डिडक्शन मिलेगा, जो डेथ पे आपको क्या पे कर रही होगी, अमाउंट पे कर रही होगी। दूसरा, जनरली जब कोई व्यक्ति 60 ईयर और मोर हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा, 60 ईयर और मोर, तो ऐसे केस में क्या होता है, नए पॉलिसीज के हिसाब से एक एज के बाद आपसे डिपॉजिट नहीं लेते, एक एज के बाद आपको प्रीमियम नहीं लेते, लेकिन आपको बेनिफिट कंटिन्यू रहता है। जैसे अगर मैं मेरे पॉलिसी की बात करूं तो मेरे पॉलिसी में कैसा है, अप टू द एज ऑफ 45 आई हैव टू पे द प्रीमियम, और 45 के बाद जब तक कि मैं 75 या 80 का नहीं हो जाता तब तक मेरे को प्रीमियम नहीं लेना है, बट आई विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। तो क्या ऐसी स्कीम कवर है 80DD में? उन्होंने बोला हम 80DD में अगर आप कोई ऐसी स्कीम लेते हैं जो डेथ के इवेंट पे पेमेंट देने वाली है एन्यूटी या लमसम, या फिर 60 के बाद आपसे पेमेंट नहीं ले रही पर आपको कवर कर रही है, ये 80DD में कवर हो जाएगी। तो ये जनरल पॉइंट था, क्योंकि मार्केट में पॉलिसी ही ऐसी आ रही है, तो ये एक जनरल पॉइंट था जो उन्होंने कवर कर दिया। सो द डिडक्शन अंडर 80DD शैल बी अलाउड इफ द स्कीम प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ एन्यूटी और लमसम अमाउंट फॉर द बेनिफिट ऑफ डिपेंडेंट बींग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ सच इंडिविजुअल इन हुज नेम सब्सक्रिप्शन हैज बीन मेड। अगर अब डेथ पे कोई अमाउंट मिल जाने वाला है जिसके नाम से डिपॉजिट किया था, तो भी ऐसी स्कीम में आप पैसा डाल रहे हैं, 80DD में बेनिफिट दे देंगे, और ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर और मोर बाय सच इंडिविजुअल एंड पेमेंट और डिपॉजिट टू सच स्कीम हैज बीन डिसकंटिन्यूड। जो 60 के ऊपर अचीव कर चुके हैं, अब इनके नाम से हम स्पेसिफिक पेमेंट नहीं कर रहे पर बेनिफिट एक्सटेंडेड टू दैट पर्सन है, तो भी हम 80DD में क्या कर देंगे, स्कीम का बेनिफिट दे देंगे। ये वो पहला अमेंडमेंट। दूसरा अमेंडमेंट, इफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी प्री डिसीज्ड द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ HUF इन हुज नेम मनी हैज बीन डिपॉजिटेड एन अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड शैल डीम टू बी द इनकम ऑफ द असेसी ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच अमाउंट इज रिसीव्ड। हाउएवर दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल टू द अमाउंट रिसीव्ड बाय डिपेंडेंट बींग पर्सन विथ डिसेबिलिटी बिफोर हिज डेथ बाई वे ऑफ एन्यूटी और लमसम। क्या कहना चाह रही है? इतना घुमा घुमा के दे दिया उन्होंने। इफ अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी प्री डिसीजेस द इंडिविजुअल और मेंबर ऑफ HUF इन हूज नेम मनी हैज बिन डिपॉजिटेड, जिसके नाम से डिपॉजिट किया था इंडिविजुअल और उसके पहले ही निपट गया, ऐसा एन अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड शैल डीम टू बी द इनकम ऑफ असेसी
इन द ईयर इन विच अमाउंट इज रिसीव्ड. हाउएवर दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई इफ अमाउंट इज रिसीव्ड बाय डिपेंडेंट. क्या कहना चाह रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं समझा, क्या कहना चाह रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसके बारे में बात कर रहे हैं, जल्दी बताओ. क्या बोल रहे हैं? बहुत इजी है. देख, एक जो व्यक्ति पर्सन पैसा डिपॉजिट कर रहा है, दूसरा जिसके नाम से पैसा डिपॉजिट हो रहा है, बराबर. अब वर्ड्स घुमा वहां पे. इफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, कोई ऐसा पर्सन है जो डिसेबिलिटी वाला है, मतलब अ पर्सन हु विल बी टेकिंग अ डिडक्शन अंडर 80U एज वेल एज 80DD. अ पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब जो 80U भी क्लेम कर रहा है, 80DD भी क्लेम कर रहा है. इफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी प्री डिसीज्ड द इंडिविजुअल मेंबर इज हु नेम अमाउंट वॉज डिपॉजिटेड एन अमाउंट इक्वल टू अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड अंडर दिस स्कीम शैल डीम टू बी द इनकम ऑफ असेसी. पॉइंट नंबर वन, कैन अ पर्सन टेक 80U एज वेल एज 80DD? आंसर इज येस, बिल्कुल ले सकता है. अब सपोज एक्स 80DD का बेनिफिट ले रहा, एक्स 80U का बेनिफिट ले रहा था और वो डिपॉजिट भी कर रहा था दूसरे व्यक्ति के नाम पे जो 80DD का बेनिफिट दिया जा रहा था. अब अगर दिस पर्सन हु वाज क्लेमिंग 80U प्री डिसीज द पर्सन जिसके लिए वो 80DD क्लेम कर रहा था, जितनी भी इनकम उसने डिपॉजिट करी है या रिसीव करी है, ये क्या मान ली जाएगी? इनकम मान ली जाएगी. एट द सेम टाइम यही पैसा अगर वो डिपेंडेंट को ही मिल गया तो ये इनकम क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट. अंडरस्टैंड, जिसने डिपॉजिट किया अगर उसी को ये मिल गया पैसा विदाउट हैविंग एनी डेथ्स, क्योंकि कैसा होता है 60-65 पे अचीव होने पे कई क्लेम्स आपके हाथ में ही आ जाते हैं. सो लेट से हमने किसी डिपेंडेंट के नाम पे पैसा रखा था, हमने क्या किया, डिपॉजिट किया 65 ईयर में अलॉन्ग विद बोनस रिसीव हो गया. जिसके नाम से किया था उसको कुछ हुआ ही नहीं. अब ऐसे केस में एन्यूटी मिले या लमसम मिले, ये अमाउंट क्या हो जाएगी? टैक्सेबल, क्योंकि अमाउंट आपको रिसीव हो गई. सपोज कर लीजिए डेथ होने पे किसको मिल गई? डिपेंडेंट्स को मिल गई, ये अमाउंट क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट. रजिस्टर में जाके लिखो एटी डीडी के नीचे द डिडक्शन ऑफ 80DD. द डिडक्शन ऑफ 80DD इज अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ एन्यूटी और लमसम अमाउंट who provides the benefit in the event of death or attaining 60 years. In the event of death or attaining 60 years. उसी के नीचे एक और एरो करके लेना. इफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी
predeceased the individual RHOF in whose name money has been deposited amount received shall deem to be income however if amount is received by dependent before his death then the provision shall not apply then the provision shall not apply clear malik done we'll take a break see you after the break
जी भाई जी चलो अच्छा ठीक है। देखो कई बार ऐसे पेड़ लोग आते अपने इधर, अभी देखो कई बार ऐसा पेड़ लोग आते, एक आया इधर, सर आपका कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या है ये? वर्स्ट वर्स्ट टॉकेटिव टीचर। बात नहीं बेटा, यू आर डूइंग एब्सोल्युटली राइट, तू सही कर रहा है, मैं दुनिया का सबसे घटिया टीचर है, काइंडली लीव द चैट राइट नाउ, सिंपल एज दैट। सी व्हेन यू डोंट लाइक द कंपनी गो ऑन द टॉप चेंज, व्हेन यू डोंट लाइक द रूल्स एंटर द कंपनी गो ऑन द टॉप एंड चेंज द रूल, एज सिंपल एज दैट। यस मैंने तेरे को बिल्कुल नहीं बोला कि बिल्कुल फॉलो करो, राइट? दुनिया में बहुत सारे टीचर है, सब बेस्ट है मेरे को छोड़ के, प्लीज उनको फॉलो कर। बट मेरे को एक सवाल है, तू ये कमेंट करने के लिए यहां आया? बहुत खाली इंसान है वो। चल बेटा आ जा। एनी ट्रांजैक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कमोडिटी ट्रेडिंग, उन्होंने इस बात को स्पेसिफाई नहीं किया कमोडिटी डेरिवेटिव और कमोडिटी परचेस, उन्होंने ये क्लैरिफाई नहीं किया। नहीं बट उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया, सो दे सेड कमोडिटी रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो भी होगा, बीट डिलीवरी और बीट डेरिवेटिव, उसके अंदर में वो चीज आनी चाहिए। यस चलो बेटा आ जाओ, नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर चलते हैं। 80 डी नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर चलते हैं, सेक्शन 80 डी। आ जाओ बेटा मेडिकल, मेडिकल इंडिविजुअल एंड एचयूएफ्स, सर चार पेमेंट कवर है, एनीवन? पहला बोलो जल्दी से, मेडिकल इंश्योरेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और अदर अप्रूव्ड स्कीम, तीसरा बोलो बेटा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, एक्सपेंसेस ऑन ट्रीटमेंट फॉर सुपर सीनियर सिटीजन, हाँ वो मृदुल भाई जो तूने कमेंट किया था ना, प्लीज उसका स्क्रीनशॉट लेना और वो जिसने तेरे को बोला ना उसको भेजने का पैसे लेने के। हाँ मतलब ऐसा नहीं, नहीं तो वो बोलेगा सबूत दिखाओ, तो ही करने का। मेडिकल इंडिविजुअल्स और एचयूएफ्स के लिए चार चीजें इसमें कवर हो रही है, पहला बेटा मेडिकल इंश्योरेंस, आप जो मेडिकल इंश्योरेंस कलेक्ट कर रहे हो वो, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम या एनी अदर अप्रूव्ड स्कीम, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी का हेल्थ स्कीम आता है, आईसीआईसीआई का हेल्थ स्कीम आता है, एसबीआई का हेल्थ स्कीम आता है, ये सब अप्रूव्ड स्कीम में आ गए, तीसरा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एंड एक्सपेंसेस ऑन ट्रीटमेंट फॉर सुपर सीनियर सिटीजन। याद रखे इसके लिए कैश और अदर मोड दोनों अलाउड है, इन सभी के लिए अदर देन कैश, तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का जो पेमेंट है ये कैश और अदर मोड दोनों में चलेगा। बताइए
ये बेनिफिट किसके लिए? इंडिविजुअल किसके लिए खर्चा कर सकता है बताइए? पेरेंट्स के लिए खर्चा कर सकता है, यस। पाउस के लिए खर्चा कर सकता है, यस। चिल्ड्रन यहां पे डिपेंडेंट चाहिए, पॉइंट टू बी नोटेड। स्पाउस डिपेंडेंट होनी चाहिए या इंडिपेंडेंट होनी चाहिए? कोई भी चलेगी, स्पाउस होनी चाहिए। डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट कोई भी चलेगी, स्पाउस होनी चाहिए। दूसरा, बच्चा आप पे डिपेंडेंट ही होना चाहिए, बच्चा आप पे डिपेंडेंट ही होना चाहिए। पेरेंट्स डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों चलेंगे। भाई साहब सुनो ना, ब्रो कवर नहीं है, सिस कवर नहीं है। इट वॉज सेक्शन 80 डीडी, डीडी भी जहां पे ब्रो एंड सिस कवर थे, इस सेक्शन में ब्रो एंड सिस कवर नहीं है। एचयूएफ के केस में एनी पर्सन, एचयूएफ के केस में बोलो बेटा एनी पर्सन कवर्ड है। सब बताइए कितना डिडक्शन मिलेगा? असेसी प्लस स्पाउस प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रन, एनीवन, एक्चुअल और 25,000, विच एवर इज लोअर। पेरेंट्स के लिए एनीवन 50, अरे यही तो गलत कर रहे हो तुम, यही सोच तो बदलनी है। एक्चुअल और 25, विच एवर इज लोअर। इफ देयर इज एनी सीनियर सिटीजन देन एक्चुअल और 50,000, विच एवर इज लोअर, देन एक्चुअल और 50,000, विच एवर इज लोअर। डन बेटा, चलो अंडरस्टैंड। सपोज मैं सीनियर सिटीजन, मेरे डैड सीनियर सिटीजन, व्हाट इज द ओवरऑल लिमिट? 1 लाख। मैं नॉन सीनियर, डैड सीनियर 75, दोनों नॉन सीनियर 50, सॉर्टेड है। तो ये लिमिट्स है, याद रखे। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मैक्सिमम डिडक्शन बोलो कितना है? 5,000 कवर्ड इन ओवरऑल लिमिट। ये कवर्ड है किसके अंदर में बेटा? ओवरऑल लिमिट के अंदर में। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैक्सिमम 5,000 तक के अलाउड है, कवर्ड विद इन द ओवरऑल लिमिट। एक क्वेश्चन मैं आज आपके हाथ में छोड़ रहा हूं, मेरे को कल इसका जवाब चाहिए, कैसे भी ढूंढ के निकालो, ठीक है? आपके लिए पूरा गूगल ओपन है, मेरे को जवाब चाहिए। मैंने मेरे लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 इनकर किया, वाइफ के लिए 5,000 इनकर किया और पेरेंट्स के लिए 5,000 इनकर किया। वेदर द डिडक्शन इज 5,000, 10,000 और 15,000, मेरे को कल इसका जवाब आपसे चाहिए। मैं क्या बोला? आज जवाब मत दो, ढूंढ लो, नहीं तो मैं कल हूं यहां इस बात पर डिस्कशन करने के लिए। क्लियर है? हिंट भी देता हूं, मॉड्यूल में इसके ऊपर क्वेश्चन है डिडक्शन टॉपिक में, हिंट भी देता हूं, क्लियर है? पर उतनी मेहनत करो, तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुलेंगे थोड़े से। मेरे लिए 5, पाउस के लिए 5, पिताश्री के लिए 5, ओवरऑल 5 मिलेगा या 15 मिलेगा या 10 मिलेगा, ये आपको ढूंढना है। क्लियर है? अच्छा, अब ध्यान से सुनिए। एक्सपेंसेस ऑन सुपर सीनियर सिटीजन भी अलाउड है। अब इसके लिए ऐसा बेनिफिट क्यों दिया गया है? क्योंकि बेटा जिसकी एज यू नो सुपर सीनियर सिटीजन पे पहुंच जाती है ना, उसका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होता, पर उनके ऊपर हेल्थ एक्सपेंसेस तो होते हैं, तो उनके लिए क्या किया गया है? एक्सपेंसेस ऑन सुपर सीनियर सिटीजन के लिए, एक्सपेंसेस ऑन सुपर सीनियर सिटीजन के लिए एक्चुअल और 50,000 विच एवर इज लोअर का बेनिफिट है। तो आप उनके ऊपर खर्चा कीजिए, क्योंकि उनके लिए मेडिकल इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। अभी देखिए, एक नया चेंज आया है मार्केट में, जिसको इनकम टैक्स ने बहुत इजीली अडॉप्ट किया। आजकल क्या होता है, पहले ऐसा होता था कि इंश्योरेंस का जो प्रीमियम था वो आप साल साल में पे करते थे, बट नाउ इंश्योरेंस कंपनी इन ऑर्डर टू मोटिवेट द पीपल ये क्या करती है, 3 साल का प्रीमियम एक साथ ले लेती है या 10 साल का प्रीमियम एक साथ ले लेती है, राइट? और आपको सीधा
एक बेनिफिट दे देती है लमसम पेमेंट का डिस्काउंट, कि भैया तुम 10 साल का प्रीमियम एक साथ पे कर रहे हो, 30% डिस्काउंट चलो दे रहे हो क्या। तो मेनी पीपल हु सीक फॉर डिस्काउंट वो क्या करते हैं, एक साथ 3 साल 10 साल 5 साल का पेमेंट कर देते हैं। माय क्वेश्चन इज, सपोज 3 साल का पॉलिसी था, मैंने एक साथ पेमेंट कर दिया 3 साल के लिए, डिडक्शन विल बी इन 1 ईयर जिस साल पेमेंट किया, या दैट हैज टू बी अपोर्शन ओवर द पॉलिसी पीरियड। सो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, अगर लमसम पेमेंट किया है, अगर लमसम पेमेंट किया गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपोर्शन करना पड़ेगा, अपोर्शन ओवर द पीरियड। अगर लमसम पेमेंट किया है दैट नीड्स टू बी अपोर्शन ओवर द पीरियड। डन, ओके, एटीडी में आइए, एटीडी इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ्स मेडिकल इंश्योरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम अप्रूव्ड स्कीम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में सिर्फ कैश और अदर मोड अलाउड है, यस, या फिर एक्सपेंसेस ऑन सुपर सीनियर सिटीजन, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, एक्चुअल 25 विच एवर इज लोअर, पेरेंट एंड अगर कोई भी सीनियर सिटीजन रहा, 50,000 की लिमिट आ जाएगी। किसकी लिमिट आ जाएगी, 50,000 की लिमिट आ जाएगी। इंडिविजुअल है 3 के लिए अलाउड है, एचयूएफ है किसी भी मेंबर का चलेगा। एक्सपेंसेस ऑन सुपर सीनियर सिटीजन सब्जेक्ट टू मैक्स 50,000 होना चाहिए ये। पेमेंट मस्ट बी मेड आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स, पेमेंट मस्ट बी मेड आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स। एग्जम्प्ट इनकम से मेडिकल इंश्योरेंस पे किया, नो डिडक्शन। मेडिकल एक्सपेंसेस ऑन वेरी सीनियर सिटीजन, एक मिनट, मैंने शायद कुछ गड़बड़ की है। हाँ, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 है, इधर 30 के जगह 50,000 है। आई स्टैंड करेक्टेड, मैंने ये देखा और ऊपर जीरो कर दिया। कॉन्ट्रीब्यूशन इन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वुड क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर एटीडी। इन केस ऑफ सिंगल प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी विच कवर मोर देन 1 ईयर, डिडक्शन शैल बी अलाउड ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस ऑफ ऑल दोज ईयर विच कवर प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड मॉनेटरी लिमिट। तो स्पेसिफाइड मॉनेटरी लिमिट के अंदर में सबको ऐसा अलाउ किया गया है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। एटीडी डन है बेटा, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एटीई। देखिए जरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कवर है क्या, ये सुनो। एटीई, ई से एजुकेशन, सो इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, बराबर है। चलो आओ क्विक, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, सर डिडक्शन किस चीज का है, डिडक्शन इज इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, हूज एजुकेशन, स्पाउस, चिल्ड्रन और टू होम असेसी इज गार्डियन। Which education? Any education after SSC? Deduction किस चीज का मिलेगा? Principal payment का कोई deduction नहीं, interest का deduction मिलेगा 100% for 8 assessment year, starting from the year of repayment. सो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा कोई भी एजुकेशन आफ्टर एसएससी।
इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन का क्या किया गया बेटा, डिडक्शन दिया गया। प्रिंसिपल का कोई डिडक्शन नहीं मिलता, किसका डिडक्शन देंगे, स्पाउस को एजुकेशन कर रही है, बच्चा को एजुकेशन कर रहा है, इनफैक्ट आप अगर किसी के गार्डियन भी है तो आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा। कितने साल तक के सर, 8 असेसमेंट ईयर तक के मिलेगा। सर एजुकेशन लोन लेना कहां से है, फ्रॉम वेयर एजुकेशन लोन आपको लेना है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। सो रिलेटिव से लेकर के नहीं चलेगा, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है। रिलेटिव तो बस इतना बोलेंगे तुमसे ना हो पाएगा, बराबर ना। तुमको अभी तक ऐसा कोई मिला अंकल जिसने पूछा है बेटा कौन से कॉलेज से सीए कर रहे हो, तो फिर तुम्हारा रिप्लाई क्या था? हाँ तुम्हारा रिप्लाई क्या था? मैंने तो मेरा बीकॉम वाला कॉलेज बोला था। जिसको ये नहीं पता ये कहां से करते, उसको क्या रिप्लाई तुम दे भी दोगे समझा भी दोगे तो क्या मतलब है? ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, बहुत कम लोग कर पाते हैं। आईटीओएस के बाद यही डिफिकल्ट कोर्स है। चलो अच्छा, ऐसा भी होता होगा कि रिजल्ट अगर तुम्हारा पास आ गया तो रिलेटिव आकर के बोल रहा है वो तो इस बार पेपर इजी आए थे ना, लकी थे इस बार तुम, है ना, पास हो गए। मतलब एक बात समझाओ, जिस टाइम हम पास हुए उसी टाइम हम लकी भी हो गए, उसी टाइम पेपर भी इजी आया था, इस बार सीए का रिजल्ट भी ज्यादा आया था, बहुत बढ़िया मस्त। तो आप अपने बच्चों को क्यों नहीं करा लेते? इतना इजी है, आप अपने बच्चों को क्यों नहीं करा लेते? बट खैर छोड़ो, क्या बोलेंगे, जिस दिन अपन इनकी बैलेंस शीट साइन करेंगे उस दिन बात करेंगे। आओ बेटा आगे। यस, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन ATE, बेनिफिट किसको मिलता है, रेसिडेंट मे बी नॉन रेसिडेंट हु इज इंडिविजुअल, पेड इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स। तो अगेन एग्जम्प्ट इनकम से आपने एजुकेशन लोन पे किया, इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। यस yes, अच्छा जी, 100% इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, नॉट फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट। डिडक्शन इज अवेलेबल फ्रॉम द ईयर इन विच पेमेंट किया एंड इमीडिएट सक्सीडिंग ईयर। तो 8 ईयर्स इन टोटल स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर जिस साल से आपने रीपेमेंट चालू किया। स्पाउस चलेगा, चिल्ड्रन चलेगा, आप जिसके लिए गार्डियन है वो भी चलेगा। लोन किससे लेना है, अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। क्लियर है मालिक? ऐसे कैसे? एक और सेक्शन इंपॉर्टेंट कैटेगरी का, ATEEB, याद रखने का तरीका, एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल, एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल ई, हाँ व्हीकल, एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल। हुआ क्या निर्मला दीदी, यू नो दिस दीदी, मेनी टाइम्स डिसअपॉइंट अस, सो दिस दीदी, दीदी ने क्या किया, दीदी ने डिडक्शन लेके आया किसके लिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए 2019। सबसे पहले इसकी कंडीशन इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसकी क्या कंडीशन इंपॉर्टेंट है, डिडक्शन किस चीज का मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट पेड फॉर एक्विजिशन ऑफ ई व्हीकल। ठीक है, लोन मस्ट बी टेकन बिटवीन 2019 टू 2023, लोन मस्ट बी टेकन फॉर 2019 टू 2023। लोन इज टेकन फ्रॉम बैंक, NBFC और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डू नॉट होल्ड एनी अदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल। आपके पास अदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल नहीं होना चाहिए, कुछ भी सोच के लॉ बनाते हैं, एक गाड़ी बीवी के नाम से ले लूंगा, गाड़ी तो एक ही जगह आनी है, बीवी भी खुश, डिडक्शन भी पूरा, चलाना तो वैसे भी मेरे को ही है। कुछ भी डिडक्शन कितना मिलेगा बेटा, डिडक्शन इज इक्वल टू लोअर ऑफ कितना बेटा, एक्चुअल इंटरेस्ट और 1,50,000, 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन आपको दिया गया है।
एक्चुअल इंटरेस्ट और 1,50,000। यस, बच्चा आया फिर से, बोल रहा है सर मैं क्लास 12th में हूँ एंड आई वांट टू डू सीए। बेटा अभी तेरा ना बोर्ड का एग्जाम चालू है, वो पढ़। अभी तेरा 12th बोर्ड चालू है, पहले वो पढ़, अपन बाद में डिस्कस करेंगे। 12th का बोर्ड चालू है भाई। यस, उसके बाद बहुत स्कोप है, ये बता रहा हूँ, आ जाना। बराबर है। अभी मेरे को एक बात बताओ ईमानदारी से, मैं तुमसे एक सवाल पूछू क्या? सपोज द करंट स्कीम ऑफ एजुकेशन कंटिन्यू, विल यू लेट योर चाइल्ड टू डू सीए? दिस इज अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन आस्किंग एज अ फ्रेंड, एज अ टीचर। तुम तुम्हारे बच्चों को सीए कराएंगे क्या? दिल से बोलो। ठीक है, उसका चॉइस जो रहेगा वो रहेगा, उसका चॉइस जो रहेगा वो रहेगा। दिस इज अदर थिंग बिंग कॉन्स्टेंट। ये सवाल है, अगर तुमको ऑप्शन मिले तुम अपने बच्चे को सीए कराएंगे क्या? सर यहाँ पे 90% ऑफ द लोग, 90% ऑफ द लोग क्लियर बोल रहे थे नहीं। कंपटीशन कम कर रहा है लाला तू। तू उनको उनका जिंदगी नहीं बचा रहा, तेरा कंपटीशन कम कर रहा है तू। उनकी भी जिंदगी, नो डाउट। बट मैं आपको एक बात बताऊं, रिलेटिवली ना बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो आपके केस में होना ही नहीं चाहिए। ईमानदारी से कुछ चीजें ऐसा है ना, तुम ऐसा क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुमको अभी सब पढ़ाना है? अभी मेरे को एक बात बताओ, इतना सारा तुमको डिडक्शन दे दिया, सब दे दिया, सब दे दिया, तुमने खुद ने इतने सारे रिटर्न भरे होंगे, कितने कितने डिडक्शन तुमको देखने को मिलते? 80C 80D विषय खत्म, 80 TT है, और बहुत बहुत हो गया तो 80G। किसी ने अगर भगवान को डोनेशन दे करके रिसीट लाई होंगी वहां से तो बहुत हो गया। इतना आपको कंटेंट देके रखा है, ऐसा बोला जा सकता है देयर आर फ्यू अदर डिडक्शंस व्हिच कैन बी डन थ्रू इनकम टैक्स लेटर ऑन। कितना सॉर्टेड हो गया? नहीं, उत्तच पढ़ते बैठो पूरा। यस, एंड प्रॉब्लम पता है क्या है? एप्लीकेशन से ज्यादा मगिंग अप का गेम है। अरे भूलोगे ना, क्या करोगे? इतना कंटेंट कैसे याद रखोगे? पढ़ाने वाले भूल जाते हैं, तुम तो पढ़ रहे हो, अरे इतना कंटेंट कैसे याद रखोगे यार? कम ऑन, वी आर ह्यूमन, वी आर नॉट सुपर ह्यूमन कि ऐसा डाल दिया तो सब करेक्ट है। इनफैक्ट हम लोग जब बुक भी बनाते हैं ना बॉस, बहुत जगह गलती हो जाती है। आप सोच के देखो, स्पेशली डीटी, आईडीटी और लॉ, इन सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं सर, इतने जगह अमेंडमेंट होता है, किधर कितनी जगह कितनी चीजें याद रखोगे? एक कंसेप्ट सरचार्ज चेंज कर दिया, पूरा क्वेश्चन बैंक चेंज करना पड़ता, उठा उठा के एक एक क्वेश्चन चेक करना पड़ता किधर क्या हुआ था। HEC चेंज कर दिया, सपोज 4% के जगह 5%। अभी हमारा FR के जैसा थोड़ी 1991 का बैलेंस शीट आज भी मैच करो वैसे मैच हो रहा। FR के जैसे थोड़ी नहीं यार, SFM के जैसे थोड़ी नहीं, ईयर ही नहीं है हमारे केस में, साला ईयर का ईयर चेंज हो जाता। अब वो एक एक क्वेश्चन बैठ करके चेंज करते रहो, तो कई बार ऐसा होता है कि गलती हमसे भी होती है। इनफैक्ट हम तो अपफ्रंट बोल देते भाई देख गलती हो सकती, जहां पॉसिबल है वहां रेक्टिफाई करवा दूंगा, ये समझ के चल सब्जेक्ट इज अबाउट टू चेंज। तुम सोच के देखो ना, क्वेश्चन बैंक के अंदर में 400 क्वेश्चन है, 400 क्वेश्चन में से अगर मैं 8% भी एरर मानू कि रह सकता है एज ए ह्यूमन एरर, आप सोच के देखो ना यार, वो कितना काम है उसको। बराबर है, हमारा तुम्हारे जैसा थोड़ी ना, सप्लीमेंट ला दिया इसके साथ ये पढ़ लेना, लो इतना पकड़ के मारेंगे बच्चा, ये लो मॉड्यूल ये सप्लीमेंट। हाइट, तुम्हारा मॉड्यूल दिया नहीं दिया, फाउंडेशन का मॉड्यूल नहीं दिया, फाउंडेशन का बच्चा जो मई 2023 में एग्जाम दे रहा है उसका मॉड्यूल ही नहीं, मई 22 का मॉड्यूल चला रहे उसको। अब इसमें क्या चेंज आया मैं तुमको बताऊं, एकदम बेसिक चेंज बता दो तुमको। बीसीके करके फाउंडेशन में एक टॉपिक है, मैं इकोनॉमिक्स लेता हूं बट आई यूज टू टेक बीसीके, उसके अंदर में ना एक चैप्टर नंबर 3 आता है। क्या देके रखा हूं इस चैप्टर में तुमको तो खैर पता नहीं होगा, आइडिया भी नहीं होगा, पर मैं तुमको एक आइडिया बताता। इमेजिन करना, तुमको ये याद करना है, कंपनी दी है एशियन पेंट, उसका एमडी कौन है, उसका डायरेक्टर कौन है, उसका सीईओ कौन है, उसका सीएफओ कौन है, ये तुमको लर्न करना है। इस पे एमसीक्यू आता। सीरियसली, क्या जॉब, क्या संबंध जीवन में? अरे इश्यू तो यही है, वो चेंज हो गया है,
पर मॉड्यूल का एयर वाइस क्या है, एमसीक्यू नए में आएगा। अरे इश्यू तो यही है। और ऐसा कितनी कंपनी के लिए दिया, 62, ऐसा 62 कंपनी दिया आपको, पूरा 62 कंपनी पढ़ते बैठने का, कैसे याद रहने वाला एक बच्चे को, बराबर। मतलब बच्चे से तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहले तो कंपनी का नाम याद रखो। फाइनल वाले बच्चों को अगर बोला ना नवरत्न कंपनी बता, इनमें से कितने बता पाएंगे देखो, बताओ बेटा नवरत्न कंपनी में कौन कौन आता बताओ, इंडिया के नहीं बता पाते, लिंक में भी नहीं है। स्कैम किस में चल रहा है वो पूछो, सब याद है। पंचायती पूरी चाहिए अपने को। तो यार मतलब लिटरली कुछ चीजें सच में चेंज होनी चाहिए, ये कोई सेंस का नहीं बनता इतना बड़ा चीज। थैंक यू फॉर आइस ब्रेकिंग, लेट स्टार्ट। आइस ब्रेकिंग करना पड़ता, ऑप्शन नहीं है भाई, सब्जेक्ट इतना है, बीच बीच में कुछ तो लाना पड़ता। आ हा 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 आहा, आ जा बेटा, ATEEB पेज नंबर 3, असेसी शुड बी इंडिविजुअल, चेक इट आउट, असेसी शुड बी इंडिविजुअल। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 2019 to 2023 डज नॉट ओन एनी अदर ईवी, 1,50,000 और इंटरेस्ट पेड विच एवर इज लोअर। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, प्लीज चेक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स डेफिनेशन, इट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू टू ऑल्सो मग अप दिस, चेक डेफिनेशन एक मिनट चेक करो, मैं 100% बोल रहा हूं मत मग अप करना। बट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मीन्स अ व्हीकल विच इज पावर्ड एक्सक्लूसिवली बाय एन इलेक्ट्रिकल मोटर whose transaction energy is supplied exclusive by transaction battery installed in the vehicle and has such electric regenerative braking system which during braking provides conversion of vehicle's kinetic energy into electrical energy. मतलब माँ कसम, ये पढ़ाना क्या चाहते हो हमको, क्या पढ़ाना चाह रहे हो हमको, yes, kinetic energy into electrical energy. कोई बच्चा अगर बहुत डिटेल में पढ़ने वाला होगा ना, सर व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी, पूछना उसने सीरियसली मैन, डेफिनेशन दे करके रखी तुमने सर, डेफिनेशन आपके रिलेवेंट नहीं है पर आपको पढ़नी है, क्यों, क्वेश्चन विल बी आस्क्ड व्हाट अबाउट हाइब्रिड व्हीकल keeps on petrol on diesel, mostly on petrol, and can be converted into hybrid after a particular speed limits. Yes? So what about hybrid vehicle? Whether hybrid vehicle would be eligible? No. इसलिए क्योंकि आपके इस definition में पढ़ने लायक concept क्या है? Powered exclusively by an electrical motor. So लिखो नीचे, hybrid vehicle is not eligible. ये घुमाएगा institute यहाँ. अब लग रहा हूँ ना अच्छा हुआ फाउंड नसीबिटी पास हो गए। मस्त 62 कंपनीज पढ़ते बैठते थे, उनका सीईओ, उनका सीएफओ। ये डन है बेटा, आ जाओ, तुम ना चैप्टर ही ऑप्शन में रख के चल जाते थे। चलो आओ, नेक्स्ट 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 आ जाओ, 80 PA, डायरेक्टली कम टू 80 PA, फार्म प्रोड्यूसर कंपनी, जहां इंपॉर्टेंट था वो लिखा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है नहीं लिखेंगे, यहीं से पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। फार्म प्रोड्यूसर कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, ये कंसेप्ट आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा है, एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्म प्रोड्यूसर कंपनी। अगर कोई फार्म प्रोड्यूसर कंपनी बनाता है, 5 साल तक के 100% प्रॉफिट माफ किया गया है इन ऑर्डर टू प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी। सो फार्म प्रोड्यूसर कंपनी जनरेटिंग इनकम आउट ऑफ मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, परचेस ऑफ एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स फॉर सप्लाई देम टू इट्स मेंबर और प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ इट्स मेंबर। डोंट यू थिंक ये तीनों वर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी में पढ़े हमने, पहले 5 साल 100% प्रॉफिट माफ प्रोवाइडेड, ये फार्म प्रोड्यूसर कंपनी होनी चाहिए, टर्नओवर 100 करोड़ रुपीस तक होना चाहिए, स्पेसिफाइड एक्टिविटी में होनी चाहिए, बिजनेस 2025 से पहले चालू हो जाना चाहिए।
बिजनेस 2025 से पहले क्या हो जाना चाहिए, चालू हो जाना चाहिए। सो इफ इट्स अ फार्म प्रोड्यूसर कंपनी, पहले 5 साल 100% क्या मिलेगा बेटा, डिडक्शन मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट ओके, ध्यान से सुनिए। और दो सेक्शन है, 80QQB, इसी का भाई 80RRB। याद रखने का तरीका, क्यों आखिर क्यों बुक्स बनाई, क्यों आखिर क्यों बुक्स बनाई, रॉयल्टी ऑन बुक्स, इनकम बेस्ड डिडक्शन है, रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स, असेसी कौन होना चाहिए, रेसिडेंट, असेसी कौन होना चाहिए, अगेन रेसिडेंट, लमसम रॉयल्टी, एन्यूटी। इंडिया में कई सारी बुक्स बनती है, बुक्स कौन सी ये नहीं बताया है, तो बुक्स का कंटेंट कुछ भी हो सकता है, बुक्स का कंटेंट कुछ भी हो सकता है, ये चित्र वाली बुक भी हो सकती है, बिना चित्र वाली बुक भी हो सकती है। लमसम रॉयल्टी, एक्चुअल रॉयल्टी और 3 लाख, विच एवर इज लोअर, 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड। डन, चलिए। सो अगर कोई रॉयल्टी ऑन बुक्स अर्न कर रहा है, लमसम रॉयल्टी मिलती है, एक्चुअल और 3 लाख विच एवर इज लोअर, और अगर एन्यूटी में मिलती है कि भैया जितनी बुक सेल होंगी उसके बेसिस पे रॉयल्टी मिलेगी, तो मैक्सिमम 15% ऑफ नंबर ऑफ बुक सोल्ड, वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड का आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। यही अगर पेटेंट्स पे रॉयल्टी कमाई जा रही है, तो एक्चुअल और 3 लाख विच एवर इज लोअर, एक्चुअल और 3 लाख विच एवर इज लोअर। डन बेटा। अब ऐसा हो सकता है कि रॉयल्टी जो आपने कमाई हो ये फॉरेन से कमाई हो, इट मे बी पॉसिबल। तो आपको अगर रॉयल्टी फॉरेन से कमाई है, यू हैव टू रिपैट्रिएट द मनी Within 6 months, please write down. If दोनों के नीचे common point, if royalty is earned from foreign, if royalty is earned from foreign, assessee must bring such royalty in India must bring such royalty in India within 6 months from the end of previous year, within 6 months from the end of previous year, all time allowed by RBI, or time allowed by RBI. Then, पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा हंसते रहिए, एक बच्चा आया है,
सर मेरी क्रश ने मुझे प्रपोज कर दिया है और आप जानते हैं एग्जाम मेरे सर पे है, तो आप ही बताइए मैंने क्या करना चाहिए। मतलब यार गट्स लगते हैं यार पब्लिक चैनल पे आकर के इतना बोलने के लिए, राइट। तो बेटा मेरे हिसाब से तुमने उससे निकाह कर लेना चाहिए और अपना घर बसाना चाहिए, एग्जाम तो क्या है आते आते रहेंगे, मेरे हिसाब से डायरेक्ट निकाह की बात करो घर वालों से और काम खत्म करो। चलो और अगर मान लीजिए और हाँ अपन अब्बा नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं बेटा मना लो, और अगर नहीं हो सकता तो फिर उसको भी बोलो, तुम भी बोलो कि भैया एक बार कुछ बन जाए लाइफ में उसके बाद कुछ करेंगे, ठीक है। तब तक के बोलना ठीक है तू क्रश है, क्रश रहे अच्छा है, आओ बेटा। ये छोटी छोटी हंसी लेते रहा करो, ऐसे कमेंट आते रहते दिन बना रहता है मालूम है। दो सेक्शन के बीच में छोटा सा हंसने का मौका मिल जाता है, इतना मजा आता है। असेसी इज रेसिडेंट ऑर्थर ऑफ अ बुक, लमसम मिला है 3 लाख और एक्चुअल विचर इज लोअर, अदर देन लमसम मिला है 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड, आउटसाइड इंडिया अर्न किया 6 महीने के अंदर में कन्वर्टेबल फॉरन एक्सचेंज में लेके आओ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इसी का ही रिलेटेड भाई अपने पास इधर अवेलेबल है, असेसी रेसिडेंट इंडिया में अर्न किया 100% और 3 लाख विच एवर इज लोअर, आउटसाइड इंडिया अर्न किया जितना इंडिया में लाया है कन्वर्टेबल फॉरेक्स में और 3 लाख विच एवर इज लोअर। यस बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सेक्शन पे चल रहे हैं, 80JJAA पेज नंबर 8, अगेन नॉट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, JJAA इंपॉर्टेंट है, JJA पढ़ रहे हैं, नॉट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मान लीजिए कोई भी एसएससी है जिसको बिजनेस इनकम जनरेट हो रहा है, अगेन इनकम बेस्ड डिडक्शन। मान लीजिए कोई एसएससी है जो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, किस चीज का, पावर जनरेशन, प्रोड्यूसिंग बायो फर्टिलाइजर बायो पेटलेट्स और प्रोड्यूसिंग बायोगैस, जितना इनकम अर्न कर रहा है फर्स्ट 5 ईयर 100% प्रॉफिट माफ, फर्स्ट 5 ईयर्स 100% प्रॉफिट माफ। जैसे रिसेंटली अगर आप देखेंगे पुणे में, अगर आप रहते हैं पुणे की सड़कों पे अगर आप निकलेंगे अगर टाइम मिला तो, राइट, तो वहां पे आपको रोड साफ करते हुए अदार पूना वाला ग्रुप का यू नो लोगो दिखेगा रोड साफ करते हुए। व्हाट अ फैंटास्टिक बिजनेस डिसीजन ही दिस मैन हैज मेड, मैं आपको बता रहा हूं। पहले तो वैक्सीनेशन से मल्टीफोल्ड्स अर्न किए, ऑब्वियसली क्रेडिट भी उनको ही जाता है इतने लोगों को बचाने का, बट क्या दिमाग लगाया होगा। सबसे पहले देखना एक बिजनेस मॉडल भी बता रहा हूं कि हाउ थिंग्स आर टर्न, अगर आपको किसी को बिजनेस करना है तो आगे चल के। कचरा उठाया सीएसआर एक्टिविटी में कवर कर लिया, कचरा उठाया प्लास्टिक रीप्रोसेस किया, स्पेसिफिकली प्लास्टिक रीप्रोसेस किया, प्लास्टिक्स क्यों, पैलेट्स एंड ब्रिकेट्स बनाने के लिए, प्लास्टिक जो लिया इसको रीप्रोसेस किया, ब्लीच किया, कलर में डाला, रोड के बीच में जो रेड कलर के गुटके लगे होते हैं और जो येलो और ऑरेंज कलर के खंबे लगे होते हैं, महाराष्ट्र सरकार को फिर से सेल करके प्रॉफिट बनाया, रॉ मटेरियल फ्री, इनकम जनरेटेड आउट ऑफ फ्री रॉ मटेरियल। इसे नितिन गडकरी साहब की भाषा में कहा जाता है वेस्ट टू वेल्थ मैनेजमेंट, एंड दिस इज द मोस्ट यूनिक वे टू जनरेट द प्रॉफिट। ऐसे स्टार्टअप्स को सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है राइट नाउ, इन्वेस्टमेंट फंड से सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है ऐसे स्टार्टअप को। एक कंपनी है देखिएगा कभी, फूल, PHWL फूल, इतना भयानक स्टार्टअप है, इतना भयानक स्टार्टअप है। स्टार्टअप किस चीज का है मैं आपको बताता हूं, अपन जो फूल भगवान को चढ़ाते थे ये फूल अल्टीमेटली क्या हो जाते थे, वेस्ट, यू नो इंसेंस स्टिक्स में सबसे बड़ा बिजनेस हुआ करता था एटलस साइकिल अगरबत्ती, साइकिल अगरबत्ती का सबसे बड़ा ब्रांड। फूल ने क्या किया, उत्तर प्रदेश हेल्ड टू पीपल हु आर डूइंग द स्टार्टअप, व्हाट अ ग्रेट ब्रेन, फूल्स लिए, फूल को ड्राई अप किया, मसाला मिलाया, नेचुरल अगरबत्ती बनाई, उन्हीं फूलों से नेचुरल अगरबत्ती बनाई। लेडीज जो डेली वर्कर्स थे उनको लिया बिजनेस के अंदर में, एक बड़ा बड़ा प्रमाइसेस लिया, वहां पे पूरे फूल बिछाए एंड पूरा का पूरा रॉ मटेरियल यूज किया नेचुरल, और इस नेचुरल अगरबत्ती को धूप और इंसेंस स्टिक्स बना करके बेचा। सर 6 करोड़ रुपए का टर्नओवर निकाल रहा है आज के तारीख में इंसेंस स्टिक्स बेच करके,
6 करोड़ रुपए का टर्नओवर, नॉट अ स्मॉल थिंग, अगेन वेस्ट टू वेल्थ मैनेजमेंट, वेस्ट टू वेल्थ मैनेजमेंट, व्हाट अ फैंटास्टिक आइडिया। रिसेंटली एक और स्टार्टअप चालू हुआ है, मतलब क्या ब्रेन्स है यार, सोच करके देखो। अगर आप सीए के साथ कुछ और करना चाहते हैं ना वैल्यू एडिशन में, मेरे हिसाब से 2 कोर्स और आप कर सकते हो। पहला आप यूपीएससी ट्राई कर सकते हो। सर क्या समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हो? मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, खुद ने ट्राई किया इसलिए। यस यूपीएससी प्रीलिम्स ऑलरेडी डन है मेरा, यस तो मैंने ऑलरेडी किया इसलिए। हम लोगों को इतना ज़्यादा पढ़ने की आदत है, यूपीएससी में हमारी ये आदत सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। मतलब वहां पे ना कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी बुक आती है लक्ष्मीकांत की, एक बार जरूर ट्राई करना। और मैं आपको ट्राई करने क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप इतना भयानक फाइनेंशियल ब्रेन से आप लोगों का, और ये अगर पावर के साथ मिल जाए तो आप समझ भी नहीं सकते कि आप किधर से किधर पहुंचोगे, किधर से किधर पहुंचोगे। मेरे केस में वो पॉसिबल नहीं हो पाए क्योंकि फाइनेंशियल इश्यू थे, बट आपके पास अगर फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, इफ यू कैन गिव द टाइम, आप इसके बाद यूपीएससी ट्राई करो। यूपीएससी में पहली बात कोई फेल नहीं होता, ये बात समझना। यूपीएससी में रैंकिंग का गेम है पूरा का पूरा, पूरा एग्जाम 2500 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपका रैंकिंग सिलेक्ट होता है। 2000 से ऊपर आते हैं तो आपका आईएएस सिलेक्ट होता है, फिर आपका आईपीएस आता है, फिर आईएफएस आता है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, फिर आपके आईआरएस ऑफिसर्स एंड एटसेट्रा पोस्ट आती है। सर वहां पे आप ब्रांच सिलेक्ट कर सकते हो कॉमर्स। अपने को ले देके क्या पढ़ना पड़ता है एक्स्ट्रा, पहला पढ़ना पड़ता है लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि अपने हिंदी कैसे लिखना है वो भूल गए, याद आ रहा है हिंदी कब लिखे थे, हिंदी कैसे लिखना है वो भूल गए। तो एक चीज जो अपने को पढ़नी पड़ती है वो है लैंग्वेज। दूसरी चीज अपने को पढ़नी पड़ती करंट अफेयर्स, क्योंकि हम जीरो नॉलेज है इस चीज का, तो अपने को जीरो नॉलेज है इस चीज का। और तीसरा पढ़ना पड़ता है एक सब्जेक्ट, दैट इज हिस्ट्री। एनसीईआरटी की 1 से 10 तक की बुक पकड़ लेने का काम खत्म हो जाता। बाकी कॉमर्स फील्ड में क्या क्या आता है, कॉस्टिंग इंटर लेवल, टैक्स इंटर लेवल, जीएसटी इंटर लेवल, अकाउंट्स फाउंडेशन लेवल, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट आपका फाउंडेशन लेवल। यस मेनी पीपल डोंट नो, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको कुछ परस्यू करना है ना, सी डोंट परस्यू सीएस एंड सीएमए टुगेदर विद सीए। ये एक बहुत पुराना ट्रेंड हो गया जो हमारे टाइम पे चलता था कि आदमी सीएस या सीएमए है। आज तीनों के ब्रांचेस अलग है। हमारे टाइम पे क्या होता था, सीएस और सीएमएस इतने ज्यादा न होने के कारण सीएस को मैक्सिमम काम मिलता था, बट आज उनका भी एक पूरा अलग स्टैंडर्ड बन चुका है और उनके भी अलग यू नो नंबर ऑफ मेंबर्स बन चुके हैं। तो आज अगर आप वो करोगे, ये आपके लिए कोई एड ऑन पॉइंट नहीं क्रिएट करेगा, बिकॉज आपके साइनिंग अथॉरिटी आपके पास किसी भी तीनों में से एक की रहेगी। तो आपको अगर कुछ इन्वेस्ट करना है तो आप एक काम कर सकते हो, आप यूपीएससी में या एमपीएससी में इन्वेस्ट करिए, स्टेट वाइज कैडर मिलता है। और अगर सर मिल गया ना, ईमानदारी से बोलता हूं, आपका आगने वाली 4 पीरियड तक ना देखना नहीं पड़ेगा, बाकी आप समझदार हैं। आप किसी शहर के आए हैं सोबे, समझ रहा है, पूरे शहर तुम्हारे हाथ में, आगे समझो तुम क्या लेवल ऑफ पावर, क्या लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होगा वो आदमी का। और उसमें भी अगर 2-3 काम अच्छे कर दिए, आप बिलीव नहीं कर सकते, आप अमर हो जाओगे। जैसे मागेर करके गांव है महाराष्ट्र में, क्या आपको पता है उस गांव का सिर्फ एक आदमी बिलो पॉवर्टी लाइन है, एंड गांव में 50 बिलियनियर है, गांव में 50 बिलियनियर, सबके सब खेती करते हैं, जस्ट बिकॉज 1 पर्सन दैट चेंज द फेट ऑफ दिस ऑल पीपल। उसने बस कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए एंड चेंज इट द वे, तो आदमी अमर हो गया उस जगह के लिए। समझ आ रही बात? आप देखिए मैक्सिमम वेब सीरीज बन रही है यार, किन के ऊपर बन रही है, रियल लाइफ में आईएएस आईपीएस पे बन रही है। दैट इज हाउ द वैल्यू इज क्रिएटेड। सेकंड आपको कुछ करना है, आप एमबीए ट्राई करें इसके बाद, एंड एमबीए विथ गुड कॉलेज, मतलब आईआईएम या ऐसे में एक्सटर्नल एमबीएस भी है, एक्सटर्नल एमबीएस ले ले, आपका वर्थ बहुत इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा कुछ करो जिससे वर्थ इंक्रीज हो, ऐसा नहीं जिससे सिर्फ डिग्री इंक्रीज हो। डिग्री इंक्रीज करना और वर्थ इंक्रीज करना 2 अलग अलग चीजें हैं, ये बिल्कुल याद रखना और उस हिसाब से काम करना। कमिंग बैक, इट इज जेजेए, एनी एसएससी अगर कभी भी क्या देता है बेटा, बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, पावर जनरेशन
बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स, बायो गैस, फर्स्ट फाइव ईयर्स 100% प्रॉफिट का डिडक्शन मिलेगा, फर्स्ट फाइव ईयर्स 100% प्रॉफिट का डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट 80GG, जहां मैं घर घर खेली, घर घर हाउस प्रॉपर्टी आपकी रेंट पे अगर आप दे रहे हैं, सी अंडरस्टैंड, सैलरी में एचआरए मिला, यू क्लेम एचआरए, बट इफ यू आर पेइंग रेंट एंड यू आर नॉट गेटिंग एचआरए, तो क्या इसका भी डिडक्शन है? यहां मान लीजिए आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन है एंड यू आर पेइंग रेंट फॉर योर हाउस, यू आर पेइंग रेंट फॉर योर हाउस, 80GG इज द सेक्शन जहां पे आप डिडक्शन लेंगे। नॉट सो फ्रीक्वेंटली आज दिस सेक्शन, असेसी अगर इंडिविजुअल है, रेसिडेंट में भी नॉन रेसिडेंट, जिसको एचआरए नहीं मिला है, क्योंकि एचआरए मिला यू विल सर्टेनली क्लेम 1013 है, जिसका हाउस नहीं है एट द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक डिक्लेरेशन दे देता है और आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का बेनिफिट क्लेम नहीं किया, क्योंकि अगर आप एसओपी बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं मतलब उस घर में आप खुद रह रहे हैं, बेनिफिट ही तब मिलेगा जब आप रेंट पे कर रहे हैं, तो एचआरए क्लेम नहीं करना है, एसओपी बेनिफिट क्लेम नहीं करना है, डिक्लेरेशन देना है। अगर ऐसा हुआ, लोअर ऑफ फॉलोइंग इज अलाउड एज डिडक्शन, 5000 पर मंथ, 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ अति। नो डिडक्शन, अग्रीमेंट आपके नाम पे चाहिए, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ अति। सो व्हाट डू यू मीन बाय अति? अति स्टैंड फॉर एडजस्टेड टोटल इनकम, अति स्टैंड फॉर एडजस्टेड टोटल इनकम। सो 5000 पर मंथ, 25% ऑफ अति, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ अति। अति कैसे निकालेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111 है, डिडक्शन अंडर 80C to 80U एक्सेप्ट 80GG, जो भी आएगा ये क्या बनेगा बेटा? एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बनेगा बोलो बेटा? एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, नॉट सो रिलेवेंट फ्रॉम एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू। आइए चलते हैं और दो सेक्शन विच आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 5 पे आइए, 80EEA और 80EE। सबसे पहले पढ़ते हैं 80EE, ये एक ओल्ड सेक्शन है, जिसने 16-17 में इस सेक्शन का बेनिफिट लिया है, ही कैन स्टिल कंटिन्यू टू हैव बेनिफिट। आज इस सेक्शन में कोई नया बेनिफिट नहीं है। देखिए था क्या, 16-17 वॉज द ईयर जब यू नो मोदी गवर्नमेंट चाह रहा था हर व्यक्ति का एक घर हो, तो इस घर के सपने को बूस्टअप करने के लिए उन्होंने क्या कहा, आप लोन लीजिए और लोन लेकर के आप घर बनाइए एंड यू गेट द डिडक्शन। यस, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स की बेनिफिट थी। अगर कोई एसएससी इंडिविजुअल है, इंटरेस्ट पे कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है ऑन हाउसिंग लोन, एक्चुअल इंटरेस्ट पेड और 50,000 विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा, दिस डिडक्शन इज टू बी क्लेम, फर्स्ट डिडक्शन इज टू बी क्लेम्ड इन 24B एंड रिमेनिंग इंटरेस्ट का डिडक्शन 80EE में मिलने वाला था। मतलब यू गेट 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रहा तो मैक्सिमम अप टू 2 लाख, लेट आउट प्रॉपर्टी रहा तो अनलिमिटेड, और उसके अलावा आपको 50,000 तक का डिडक्शन यहां पर मिलता था। कंडीशन क्या थी? लोन लेना था बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, प्राइस ऑफ द हाउस शुड नॉट एक्सीड 50 लाख, लोन मस्ट बी सैंक्शन बिटवीन 16-17, लोन किसी का 16-17 में सैंक्शन हुआ है तो। अब लोन अगर किसी का 16-17 में, लोन अगर किसी का 16-17 में सैंक्शन हुआ है तो आज कोई बेनिफिट है? नहीं। स्टॉप, इस सेक्शन का बेनिफिट कब तक के मिलेगा? जब तक लोन 100% रिपे नहीं हो जाता, जब तक लोन 100% रिपे नहीं हो जाता। सो इट कैन बी 10 years, 15 years, 25 years और 30 years, डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ लोन। ये सेक्शन का बेनिफिट चलता रहेगा और ये आपकी किताबों में चलता रहेगा। ऑलरेडी इस पे सनसेट क्लॉज लग चुका है, आज कोई बेनिफिट नहीं है। लोन अमाउंट कितने तक की होनी चाहिए? 35 लाख। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 50 लाख है तो लोन 35 लाख तक के रखा गया है। सिमिलर इस सेक्शन की अपार सफलता के बाद 80EEA लाया गया इन द ईयर 2019-20 में लाया गया, 20 से इसे 21 तक के एक्सटेंड किया गया। 20 से इसे कहां तक के एक्सटेंड किया गया? 21 तक के।
अगर कोई एसएससी इंडिविजुअल है इंटरेस्ट पे कर रहा है, एडिशनल बेनिफिट दिया गया 1.5 लाख तक, इस बार 50,000 से इंक्रीज करके 1,50,000 किया गया। लोन बैंक से अप्रूव होना चाहिए। स्टैम्प वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी शुड नॉट एक्सीड 45 लाख। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इन शॉर्ट बेनिफिट जो दिया गया है छोटे घर के लिए दिया गया 45 लाख तक का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। लोन शुड बी सैंक्शन बिटवीन 2019 टू 2021। शुड नॉट ओन मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। इफ डिडक्शन इज टेकन अंडर दिस सेक्शन, डिडक्शन अंडर अदर सेक्शन इज नॉट अलाउड। डिडक्शन अंडर अदर सेक्शन इज नॉट अलाउड, यानी आप देख सकते हैं 80EEA और 80EE दोनों पे सनसेट क्लॉज लग चुके हैं। जिन्होंने उस टाइम पे सैंक्शन करवाया होगा उनको भी बेनिफिट मिल रहा है। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, बी इट 80E, बी इट 80EEA, बी इट 80EE और बी इट 80EEB, ये सारे इंटरेस्ट के डिडक्शन दे रहे थे। एजुकेशन लोन, दो हाउसिंग लोन, ई व्हीकल के लिए लोन, ये पूरा ई का सीरीज इंटरेस्ट के लिए है, जिसमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सिर्फ ये दो काम किए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सिर्फ दो काम किए। डन। चलो जी सर, एक बार मेरे साथ देख लीजिए, पेज नंबर 2 वी हैव डन एवरीथिंग, पेज नंबर 3 वी हैव डन एवरीथिंग, पेज नंबर 4 वी हैव डन एवरीथिंग, पेज नंबर 5 ओनली सी स्पेंडिंग, पेज नंबर 6 ट्रिपल सी स्पेंडिंग, पेज नंबर 7 सीसीडी एंड 80G पेंडिंग, 80JJA। आपको नहीं लगता सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले बचे? कुछ इंपॉर्टेंट हमने आज उड़ा दिए, कुछ इंपॉर्टेंट कल के लिए छोड़ रहे। 80LA इंपॉर्टेंट की सीरीज में था, 80IAC, 80IAB, IAB SEZ डेवलपर एंड 80G की एक लिस्ट दी हुई है। इन शॉर्ट आपका डिडक्शन कल खत्म हो जाएगा, यस, और हम लोग कल छोटे टॉपिक्स में एंटर कर जाएंगे, क्योंकि डिडक्शन तो खत्म हो गया तो हम लोग छोटे टॉपिक में एंटर कर जाएंगे, टैक्सेशन ऑफ अमलगमेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, वो छोटे टॉपिक ही पेंडिंग बचने हैं, वो छोटे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे इंक्लूडिंग द बिजनेस ट्रस्ट। इज दैट डन? थैंक यू सो मच। एक मिनट, घर जाने से पहले मेरे को रिवाइज करवा के जाओ। व्हाट अबाउट 80TTA है, सेविंग बैंक अकाउंट, TTB, सीनियर सिटीजन, 80U, हैंडीकैप, 80DD, डिसेबल डिपेंडेंट, DDB, स्पेसिफाइड डिसीजेस। क्या स्पेसिफाइड डिसीजेस? 80GGB, पॉलिटिकल पार्टी, GGC, अगेन पॉलिटिकल पार्टी, GGA, रूरल डेवलपमेंट, EEEEA, हाउसिंग 2016-2019, EEB, QQB, ऑन बुक्स, RRB, JJA, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, याद रखने का तरीका जंक जा, जंक जंक कचरा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जंक जा, ठीक है, एक मिनट खत्म नहीं हुआ है, GG, रेंट फॉर हाउस, खत्म नहीं हुआ है, 80D, मेडिकल, DD, नहीं ये कवर हो गया, वाह, एक और बाकी है, मैं कुछ तो
नहीं, एक और बाकी है, ATPA फार्म प्रोड्यूसर कंपनी। कितने सेक्शन पड़े? 5, 6, 11, 11 और 5, 17, 18, 19। 19 सेक्शन डिडक्शंस के पड़े आपने, बचे 4 सेक्शन है। ATC बचा है, CCC बचा है, CCD बचा है, ATG बचा है, IB, IAC, JJAA। डिडक्शंस में आपका इतना कुछ बचा है, यस और नो? डिडक्शंस खत्म करेंगे कल, छोटे टॉपिक पूरा सीरीज पकड़ेंगे, क्वेश्चंस पेंडिंग है, डोंट वरी, क्वेश्चंस मैं पूरे के पूरे लूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। पहले मुझे आपका कंटेंट खत्म करना है, जो बच्चे सिर्फ कंटेंट पढ़ रहे हैं, कंटेंट खत्म करना है, डन? हाँ जी, उसके पहले अपन सब क्वेश्चन लेंगे, इंटरनेशनल टैक्स के साथ क्वेश्चन चलते रहेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल टैक्स का बहुत सारा पार्ट ऐसा आता है जहां पे आप टांगे पलटी घोड़े फरार हो जाओगे। डन, बाय बच्चों।